जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। 4 बजे के हेल्थ बुलेटिन में मेरे साथ और रोहित के साथ आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको हेल्थ बुलेटिन दिखाएं, बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। अजीत जोगी 20 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें 9 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो ब्रेन डेड थे और पिछले कई दिन से लगातार उन्हें ऑडियो थेरेपी दी जा रही थी, जिसके जरिए कोशिश की जा रही थी कि उन्हें होश में लाया जा सके। लेकिन 27 मई की रात उन्हें एक बार फिर से दिल का दौरा पड़ा था और अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स ने अजीत जोगी के निधन की औपचारिक जानकारी दी है। पिछले 20 दिन से अजीत जोगी अस्पताल में भर्ती थे। बड़े नेता थे छत्तीसगढ़ के, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के गठन में अजीत जोगी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। तबीयत लेकिन कई दिनों से उनकी खराब थी और खास तौर पर दिल का दौरा 2 बार पड़ने के बाद कोमा में बताए जा रहे थे। आज उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।